चैप्टर 3 देख रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज जो होता है सेल का उसकी बात करेंगे। हमने देखा कि करंट में क्या होता है, मोशन होता है चार्ज पार्टिकल का। जब चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं हम कहते हैं कि करंट बह रहा है। अब इस मोशन को लाने के लिए क्या करना होगा, फोर्स जरूरी है, बगैर फोर्स के कैसे चीजें मूव करेंगी, या ये कहे कि एनर्जी आपको सप्लाई करना पड़ेगा इन चार्ज पार्टिकल को। तो ऐसा डिवाइस जो ये काम करता है, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है या सोर्स है, इस देखिए इसमें ईएमएफ शब्द आ रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ऐसा फोर्स जिससे इलेक्ट्रॉन या चार्जेस मोशन में आए, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। कौन सा डिवाइस देता है इसको, ऐसा डिवाइस जो देता है उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। वही बैटरी बैटरी ही है, आगे आएगा वो। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे फोर्स को अप्लाई किया जा सकता है, जैसे फोर्स एग्जर्ट किया जा सके चार्ज पे। आप केमिकल प्रोसेस से कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक सेल लें जिसके अंदर केमिकल प्रोसेस चल रहे हो, उससे फोर्स एग्जर्ट किया जा सकता है। और जो फोर्स एग्जर्ट किया जा सकता है चार्ज पे, हो सकता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करें या टेम्परेचर डिफरेंस से हो सकता है। ये सारे के सारे जो डिवाइसेस हैं, ये सारे के सारे ईएमएफ के सोर्स हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के सोर्स हैं, यानी कि ऐसा फोर्स देते हैं जिससे चार्जेस मोशन में आ जाए, चार्जेस मोशन में आ जाए, ऐसे फोर्स हैं। तो बैटरी या सेल ये भी एक सोर्स है ईएमएफ का। तो ईएमएफ का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हम एग्जाम्पल से देखते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है, शब्द पर ध्यान रखिएगा आप। तो अगर इस फिगर को आप देखें तो एक स्केमेटिक डायग्राम बता रहा है बैटरी का। यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आपको दिख रहे हैं, ठीक। अब क्योंकि अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं बैटरी के, तो फोर्स जो होंगे इन चार्जेस पे एग्जर्ट होंगे, फोर्स इन पे लगेगा। इन फोर्सेस को हम कहते हैं केमिकल फोर्सेस या नॉन इलेक्ट्रिक फोर्सेस, FN। क्यों? क्योंकि ये फोर्सेस केमिकल रिएक्शन जो बैटरी के अंदर हो रहा है, जो केमिकल प्रेजेंट है, उनके कारण जो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है उन पे फोर्स लग रहा है। तो जो फोर्स है वो क्या करेगा, ये जो FN है नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये पॉजिटिव चार्ज को आपके पॉजिटिव चार्ज को एक टर्मिनल की तरफ भेजेगा और नेगेटिव चार्ज को दूसरे टर्मिनल की तरफ भेजेगा, राइट। तो अगर मैं FN की बात करूं तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव को इस तरफ भेजेगा, नेगेटिव को इस तरफ भेजेगा। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इसीलिए आप बोलेंगे ये तो प्लस है, ये प्लस है, ये तो अब रिपेल करने चाहिए, लेकिन मैं इलेक्ट्रिक नहीं, नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहा हूं, केमिकल फोर्स की बात कर रहा हूं। अब जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएंगे, वो एक अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेंगे, एक पोटेंशियल डिफरेंस बना लेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा कि ये पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता रहेगा। इसका मतलब जो FE है, अब देखिए इस फोर्स के कारण FE यानी कि इलेक्ट्रिकल फोर्स, जो कि आपका क्यू इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है, वो चार्ज पे लगने लगेगा। अब वो किस डायरेक्शन में होगा, अगर FN इस डायरेक्शन में हो रहा है तो FE इस डायरेक्शन में होगा। तो स्टडी स्टेट में क्या होगा कि जो चार्ज है कब स्टॉप, कभी इन साइड में एक्यूमुलेट होने कब कम हो जाएंगे या रुक जाएंगे टर्मिनल A और B में अगर आ रहे हैं, तो जब ये जो नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाए। तो जो काम किया गया नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा, जो FN है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में ले जाने के लिए, मतलब लाइन हमने किया इंटीग्रेशन FN और DL पे ले गए, ये नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स है। काम कितना हुआ, अब इंटीग्रल किया आपने, छोटे डिस्टेंस पे ले गए और इंटीग्रल किया तो पूरे डिस्टेंस पे, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे आप ले गए। जब जो लाइन इंटीग्रल है ये आपका नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल के लिए है। तो डेफिनेशन जो मैंने आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की दी, ये काम होता है, वर्क डन होता है, आपने कितना मेहनत की वही आपका इक्विवेलेंट है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की अगर डेफिनेशन दी जाए तो जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसको ड्राइव किया जाए नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव टर्मिनल में, किस कारण से, जो नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो एनर्जी जो गेन करेगा आपका चार्ज, यानी कि जो वर्क डन हुआ नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा, उसे ही हम ईएमएफ कहते हैं बैटरी का, या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहता है बैटरी का। यूनिट है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ईएमएफ की, जूल पर कूलम, वोल्ट कहते हैं इसको। और ये किस किन के नाम पे दिया हुआ है, एक ग्रेट साइंटिस्ट हुए वोल्टा, VOLTA, इसीलिए वोल्टा है।
ईएमएफ ध्यान रखिएगा, फिर से मैं बता रहा हूं कि ईएमएफ फोर्स नहीं है, ईएमएफ इज नॉट अ फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फोर्स इसमें आ रहा है लेकिन ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है, ये केवल एनर्जी पर यूनिट टाइम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर स्टेडी स्टेट की बात करें बैटरी में, जब जो नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाए, तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है बैटरी में वो कोई मोशन तो क्रिएट नहीं करेगा, इसका मतलब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा उस बैटरी में, क्योंकि यहां पर बराबर हो गई चीजें। जब चार्ज मूव करेगा तभी तो कोई करंट बहेगा, तो आई इक्वल टू जीरो है। इस कंडीशन में हम कहते हैं कि जो सर्किट है वो ओपन है, इसको हम ओपन सर्किट कंडीशन कहते हैं। अब क्या करते हैं, एक और कंडीशन समझिए, हमारा रेजिस्टेंस आर यहां पर हमने लगाया, दो टर्मिनल है प्लस और माइनस, ठीक। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में आ गई, अपने आप एस्टैब्लिश होगी, तो इसके कारण जो पॉजिटिव चार्ज है जो हायर पोटेंशियल पे है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाने लगेंगे बैटरी के, इस वायर के थ्रू, इस वायर के थ्रू, ये वायर जो आपको दिख रहा है यहां से लेकर प्लस से लेकर नेगेटिव में जाने लगेंगे, क्योंकि हायर पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल से हमेशा चार्ज उठ के जो लोअर पोटेंशियल है उसकी तरफ जाते हैं। अब सवाल इसमें ये आता है कि क्यों, व्हाई डिडंट द पॉजिटिव चार्ज मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी के अंदर ये क्यों नहीं हो रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चले जाए, इनसाइड द बैटरी, इतना लंबा रूट लेने की क्या आवश्यकता है, अंदर से क्यों नहीं चले जाते। इसका रीजन ये है कि जो नॉन इलेक्ट्रिकल फोर्स है यानी कि एफ एन, वो अपोज करते हैं जो मोशन है पॉजिटिव चार्ज का जो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे होते हैं बैटरी के अंदर, ध्यान रखिएगा, इसलिए उनको बाहर से जाना पड़ता है। तो जो एनर्जी है पॉजिटिव चार्ज की वो कंज्यूम किस में हो जाती है, वो इस रेजिस्टेंस के कारण कंज्यूम हो जाती है। तो जब वो नेगेटिव टर्मिनल पे पहुंचता है तो उसकी एनर्जी क्षीण हो जाती है, जीरो हो जाती है, हर बार ये होता रहता है। अगर ये एनर्जी क्षीण नहीं होगी तो यहां से फिर करंट ये चार्जेस आना बंद हो जाएंगे, आता है फिर कम हो जाता है, फिर आता है फिर कम हो जाता है, ऐसे होता है। तो जो फ्लो हो रहा है करंट का, जो पॉजिटिव चार्ज है वो मूव कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल से लेकर पॉजिटिव टर्मिनल में बिकॉज ऑफ नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स। इस मोशन के दौरान जो चार्ज है उसको पास करना पड़ता है केमिकल मटेरियल जो बॉडी की, जो बैटरी में है, या ये कहिए कि बैटरी भी तो अपना एक रेजिस्टेंस दे रही है, इन चार्जेस को बैटरी भी अपना एक रेजिस्टेंस दे रही है, जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं बैटरी का, आर, स्मॉल आर, बाहर तो ठीक है लेकिन अंदर भी तो एक रेजिस्टेंस मिल रहा है उसको, तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बैटरी का, स्मॉल आर। तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंचता है तो कुछ जो पार्ट है उसके एनर्जी का, जो उसने गेन किया है, जो उसने काम किया है नॉन इलेक्ट्रिक फोर्सेस के अगेंस्ट, वो कंज्यूम होता है इंटरनल रेजिस्टेंस द्वारा। यदि जो करंट है बैटरी में आई बह रहा है तो एनर्जी जो कंज्यूम हुई पर यूनिट चार्ज इंटरनल फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट, तो हम देखिए वी इक्वल टू आई आर बोलते हैं। क्यों, वी तो आपको पोटेंशियल ही एनर्जी से ही तो रिलेटेड है, आई है स्मॉल आर के कारण, इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण। तो जो एनर्जी है यूनिट पॉजिटिव चार्ज की, पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी का है, वो कम होगा किस अमाउंट से, आई आर। अगर आप एनर्जी देखें, अगर ओपन सर्किट कंडीशन मान लें, तो ओपन सर्किट कंडीशन में अगर ई है, तो अगर आप बैटरी मतलब जब क्लोज कंडीशन सर्किट में आ गए तो आपको ई में से आई आर घटेगा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस काम करने लगेगा। तो जो नेट एनर्जी पर यूनिट चार्ज होगा वो होगा ई माइनस आई आर। इसका मतलब जब फ्लो हो रहा होगा करंट का, ये एनर्जी है, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, दो टर्मिनल जो बैटरी के हैं उसी को हम V कहेंगे, तो V आपका E माइनस आई आर आएगा। EMF से आई आर घटा दीजिए क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस काम कर रहा है, वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस बैटरी के अक्रॉस। सेकेंडरी सेल, लेड एक्यूमुलेटर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल, एक होता है सेकेंडरी सेल। दोनों में से बस एक सिंपल बात समझ लीजिए, दोनों का अंतर यह है, एक बार डिस्चार्ज हो गया तो रिचार्ज नहीं हो सकता, एक बार डिस्चार्ज हो गया तो दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। तो प्राइमरी सेल वो सेल होते हैं जो डिस्चार्ज हो जाते हैं, जो डिस्चार्ज हो जाते हैं उनको प्राइमरी सेल कहते हैं। जैसे जो वोल्टेज सेल होते हैं, तो प्राइमरी सेल उसको आप दोबारा रिचार्ज नहीं करा सकते। लेकिन जब आप सेकेंडरी सेल की बात करते हैं, ये सेल वो सेल है जो ओरिजिनल कंडीशन जो इनकी थी, क्योंकि एक बार जब बैटरी यूज होगी तो वो उसकी एनर्जी लूज होगी, है ना, उसके केमिकल प्रोसेसेस रुक जाएंगे एक समय के बाद। तो जो सेल है जिसको, जिसका ओरिजिनल कंडीशन जहां से शुरू हुआ था, उसको अगर आप रिस्टोर कर सके केमिकल प्रोसेसेस को रिवर्स करके या रिचार्ज करके, उनको हम सेकेंडरी सेल्स की संज्ञा देते हैं, सेकेंडरी सेल्स कहते हैं।
तो सेकेंडरी सेल में हम पास कर सकते हैं करंट दोनों डायरेक्शन में। अगर हम कन्वेंशनल करंट की बात करें तो ये जब निकलता है पॉजिटिव टर्मिनल से और एंटर करता है सेल को नेगेटिव टर्मिनल में, तो हम कहते हैं कि सेल डिस्चार्ज हो रहा है। ये नॉर्मल वर्किंग है सेल की, जब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। लेकिन अब जब इसको चार्जिंग कर रहे होते हैं, जब सेल को कनेक्ट करते हैं किसी और सोर्स से जिसकी जिसका ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ज्यादा है, इससे ज्यादा है, तो करंट कहां से आएगा? करंट आएगा पॉजिटिव टर्मिनल से, निकलेगा नेगेटिव टर्मिनल से। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट होगी आपकी केमिकल एनर्जी में, उल्टा प्रोसेस हो रहा है। और अब सेल जो है जो डिस्चार्ज हो रखा था वो आपका रिचार्ज हो जाएगा। तो इसी को हम जो सेकेंडरी सेल है जो सबसे ज्यादा यूज होता है उसको हम लेड एक्यूमुलेटर कहते हैं। तो लेड एक्यूमुलेटर की कार्रवाई कैसे है, काम कैसे कर रहा है लेड एक्यूमुलेटर? इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं जिस जो बना होता है PbO2 और Pb जो इमर्ज होता है, दोनों डले होते हैं इलेक्ट्रोलाइट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब PbO2 काम करता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह, इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए। PbO2 काम करता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह, Pb काम करता है आपके नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह। जब सेल काम कर रहा होता है यानी कि डिस्चार्जिंग हो रही होती है उसकी, तो जो सल्फेट आयन है वो कहां जाते हैं? Pb इलेक्ट्रोड की तरफ, यहां इसकी तरफ जाते हैं, यहां पर आपका नेगेटिव चार्ज देते हैं ताकि वो PbSO4 बन सके। जो H+ आयन है वो जाते हैं इसकी तरफ PbO2 की तरफ, और यहां पर ये अपना पॉजिटिव चार्ज देते हैं और PbO2 से PbO बन जाते हैं। तो जो PbO बनता है वो रिएक्ट करता है H2SO4 के साथ ताकि PbSO4 और वाटर बन सके। तो जो PbSO4 है लेड सल्फेट जो बना है दोनों इलेक्ट्रोड में, और जो कंसंट्रेशन है इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होने लगता है। तो जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट का उसको हम हाइड्रोमीटर से मेजर कर सकते हैं। जब सेल एक फुली चार्ज होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी उस इलेक्ट्रोलाइट की 1.285 होती है और ईएमएफ उस सेल का 2.1 वोल्ट के करीब होता है। लेकिन अगर हम डिस्चार्ज कंडीशन में आ जाएं, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.285 से 1.15 हो जाती है, ईएमएफ 2.1 से 1.8 वोल्ट हो जाता है। जब चार्जिंग हम कर रहे हो, अगर हमको चार्ज करना है सेकेंडरी सेल जिसका ईएमएफ ई है, तो एक डीसी सोर्स डायरेक्ट करंट सोर्स हमको लगाना होगा। जो आप यहां पर देख रहे हैं डीसी सोर्स है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का उसको हम कनेक्ट करते हैं, जो पॉजिटिव एंड है डीसी सोर्स का पॉजिटिव को करेंगे पॉजिटिव से और नेगेटिव को करेंगे नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव नोड से, राइट। ध्यान रखिएगा इसका ईएमएफ इससे ज्यादा होना चाहिए तभी चार्जिंग हो पाएगी। अब क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन इसमें हो रहे हैं सेल में जब चार्जिंग प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ PbSO4 यानी कि लेड सल्फेट डिपॉजिट हो जाएगा, दोनों इलेक्ट्रोड में जो डिपॉजिट था वो डिसॉल्व हो जाएगा। जब चार्जिंग में PbSO4 आपके उस पर इलेक्ट्रोड पे आ गया वो डिसॉल्व हो जाएगा, जो लेड है वो डिपॉजिट हो जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, जो PbO2 है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और इसी समय जो H2SO4 है वो भी बन जाएगा। ये कैपेसिटी सेल की रिस्टोर हो जाएगी और अब ये करंट देने के लिए तैयार हो जाएगा क्योंकि रिचार्ज हो चुका है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है V×I×T जो कंज्यूम किया गया एक डीसी सोर्स द्वारा, मतलब वो आपको E×I×T एनर्जी दे रहा है चार्जिंग के लिए। अब कुछ एनर्जी I²RT + I²RT ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कारण, ये इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण ये एनर्जी डिसिपेट हो जाएगी, है ना। तो कुल मिला के क्या होगा कि जो VIT हुआ, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम किया गया एक डीसी सोर्स द्वारा, वो किसके बराबर होगी? इन दोनों के बराबर जो ये है प्लस EIT, यानी कि VIT को आप लिख सकते हैं, जो ये EIT ये बाहर का सेल है, ये बाहर का EMF है जो चार्ज कर रहा है, ये अंदर वाला है, और ये दोनों जो है इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो आप उनको दे रहा है प्रोवाइड कर रहे हैं। तो V इसको जरा II कैंसिल कर दीजिए, V=E+IR×R, तो I हो जाएगा V-E R+R। ये जो इक्वेशन है ये आपको बता रहा है कि करंट क्या होगा, चार्जिंग करंट क्या होगा। तो रेजिस्टेंस R, कैपिटल R इसलिए हम लगाते हैं ताकि हम कंट्रोल कर सकें करंट को। छह बैटरी हैं जिनकी हर एक का वोल्टेज जो है 2 वोल्ट है, ये कनेक्ट किए गए सीरीज में ताकि ये एक दूसरे को हेल्प करें। इंटरनल रेजिस्टेंस हर एक का 0.5 ओम है। अब इनको चार्ज किया गया एक डीसी वोल्टेज द्वारा जो 110 वोल्ट है। अगर कंट्रोल करना है करंट को तो एक रेजिस्टेंस 46 ओम भी लगा दिया गया सीरीज में। आपको पहले तो पावर ड्रॉ निकालना है, सप्लाई से कितना पावर ड्रॉ किया गया और हीट के तरह को कितनी एनर्जी लूज हो गई या डिसिपेट हो गई और क्यों ये अलग है, वाई आर
द टू डिफरेंट, पहले हम ये वाली चीज लगाएंगे क्योंकि अब चार्जिंग की बात हो रही है. V इक्वल टू ई प्लस आई आर प्लस ये स्मॉल आर प्लस आई कैपिटल आर. अब ये सीरीज में है, ई एम एफ एक का ई है तो छह का हमको लेना पड़ेगा सिक्स ई, आर एक है क्योंकि छह लगे हैं छह बैटरीज तो आर आपको छह लेने पड़ेंगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एक ही लगा हुआ है तो यहाँ छह और छह करना पड़ेगा आपको. ठीक, तो इसके लिए आई निकालना होगा आपको. तो आई निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले मैं आपको बता दूं वोल्टेज 110 वोल्ट दिया हुआ है जो एक डीसी सप्लाई है, जो बैटरी का है वो 2.0 है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 46 है. इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, आई होगा वी माइनस सिक्स ई बाय सिक्स आर प्लस आर, वैल्यू रखेंगे आई आपका 2 एम्पियर आएगा. अब हम जानते हैं कि जो पावर कितना ड्रॉ किया गया सप्लाई द्वारा, जो एनर्जी है या पावर है वो वी इंटू आई होता है, यानी कि 110 को आप इस 110 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 220 वाट आ गया. अब पावर कितना डिसिपेट हुआ, ये देखिए पावर वैसे तो होता आई स्क्वायर आर प्लस आई स्क्वायर आर, लेकिन क्योंकि ये 6 है तो 6 लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे, तो 6 आई स्क्वायर आर प्लस आई स्क्वायर आर, सारी वैल्यूज आपको पता है, आई भी आपको पता है, अब 196 वाट आ जाएगा. तो 220 वाट और 196 वाट में जो डिफरेंस है यानी कि 24 वाट, ये पावर यूज किया गया ताकि बैटरीज को चार्ज किया जा सके. किरचॉफ रूल्स, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, बैटरीज, ये सारे कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में होते हैं नॉर्मली अगर देखा जाए तो, वैसे हम जो क्लास में कॉलेज में सीखते हैं वो थोड़े से सिंपल होते हैं, लेकिन जो सर्किट है उसको हम ये नहीं समझ सकते कि सीरीज और पैरेलल में ही, कुछ आपको कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मिलते हैं नेटवर्क, जहां तक कि हम नेटवर्क की बात करें. इसके लिए अब क्या है कि जो ओम्स लॉ है वो पूरा सफिशिएंट नहीं है ताकि आप एनालाइज कर सके नेटवर्क को, तो कुछ रूल्स हैं ताकि हम नेटवर्क को एनालाइज कर सके. किरचॉफ साहब ने रूल्स दिए जो हम यूज करते हैं इसमें, पहले इसको समझना जरूरी है. किरचॉफ रूल में जाने से पहले दो टर्म जो सर्किट से रिलेटेड है, किरचॉफ रूल में ये चीज आ जाएगी, किरचॉफ रूल जब बोलेंगे तो ये चीज आएगी, जैसे जंक्शन या ब्रांच पॉइंट बोलेंगे और साथ में लूप बोलेंगे. तो आप देखिए जंक्शन और ब्रांच पॉइंट क्या होता है, इस फिगर को बहुत ध्यान से देखिएगा. एक ऐसा पॉइंट नेटवर्क में जो जहां पर एक से ज्यादा कंडक्टर्स, मिनिमम तीन, वो मीट कर रहे हैं, उसे हम जंक्शन कहते हैं, मिल रहे हैं आपस में, उसे हम जंक्शन कहते हैं या ब्रांच पॉइंट कहते हैं, राइट. जो तीन कंडक्टर है, आप देखिए इस फिगर में जो ए है, ए देखिएगा और बी है, ये दोनों पॉइंट पे, पहले इस पॉइंट की बात करता हूं, यहां पर एक करंट यहां से आ रहा है, एक करंट यहां जा रहा है, एक करंट यहां से आ रहा है, ये आपका जंक्शन या ब्रांच पॉइंट है. ये ए पॉइंट में एक करंट आई यहां से आ रहा है, आई टू इधर निकल रहा है, आई वन इधर आ रहा है, इसका मतलब ये भी आपका जंक्शन है, इसी को जंक्शन या ब्रांच पॉइंट कहते हैं. तो लूप क्या है, लूप क्या है, एक क्लोज सर्किट जो कंडक्टर द्वारा बनाया गया, और वो लूप मतलब गोल, पूरी तरीके से यहां से शुरू होंगे तो जब वापस आएंगे तो गोल घूम जाएंगे, उसी पॉइंट पे दोबारा आएंगे तो एक क्लोज सर्किट बन जाएगा, ऐसे नहीं कि यहां गए फिर यूं आए, ये बीच में ब्रेकेज नहीं होना चाहिए, राइट. तो इस फिगर की बात करें तो इसमें सी डी ए बी सी, यानी सी डी ए बी सी, पहला ये आपका क्लोज सर्किट है, इसी तरीके से ये क्लोज सर्किट है, इसी तरीके से ये पूरा एक क्लोज सर्किट है, कितने सर्किट हो गए. तो ये जो क्लोज सर्किट है इन्हीं को हम लूप कहते हैं. जब हम एनालिसिस करते हैं नेटवर्क की तो जो अननोन क्वांटिटीज है, चाहे वी हो, चाहे आई हो, चाहे आर हो, इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं, जो भी नोन क्वांटिटीज है उनसे, उनको लेके. किरचॉफ रूल्स, किरचॉफ साहब का पहला रूल क्या है, किरचॉफ साहब का पहला रूल जो है वो पूरी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से आता है. चार्ज ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आप, चार्ज को चार्ज किसी एक पॉइंट पर रुकता नहीं है. तो आप देखिएगा, आप एक जंक्शन देखिए, यहां पर ए आपको जंक्शन, ओ आपको जंक्शन दिख रहा है, जो करंट इसमें आ रहा है इस पॉइंट ए पे, क्या क्या आ रहे हैं, क्या क्या जा रहे हैं, देखिएगा यहां पर आई टू बाहर की तरफ जा रहा है, आई फोर बाहर की तरफ जा रहा है और आई फाइव बाहर की तरफ जा रहा है. तो हम क्या करेंगे, इस आई टू आई फाइव जो भी बाहर जा रहे हैं, ठीक, उनको हम एक जगह लिख लेंगे, और जो अंदर आ रहे हैं कौन कौन से आ रहे हैं, आई वन अंदर आ रहा है, आई थ्री अंदर आ रहा है, दो अंदर आ रहे हैं, यानी कि आई थ्री और आई फाइव आपके अंदर जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं आई थ्री और आई वन, और बाहर कौन से जा रहे हैं, आई टू
प्लस आई फाइव प्लस आई फोर। जो भी मैं समझाऊंगा इसमें, जो भी समझाऊंगा, अल्टीमेटली एक ही चीज समझिएगा कि जो करंट अंदर की तरफ आ रहे हैं वो बराबर होंगे जो करंट बाहर की तरफ जा रहा है, बस इतना समझिए। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज है, यही आपका किरचॉफ का पहला रूल है। इसको इस तरीके से समझते हैं कि मान लीजिए आपके करंट जो है I1 से लेकर I5 तक है, इसमें आपके चार्ज है Q1 से लेकर Q5 तक। अब अगर I को आप कहें चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम, तो ये आपका Q1 क्या होगा, I1 into T। इस तरीके से Q2 निकालेंगे I2 into T, Q5 तक चले जाएंगे I5 into T। यानी Q1 Q2 हमने I के टर्म्स में लिख लिया, T टाइम में T जा रहे हैं। अब देखिएगा कि जो टोटल चार्ज एंटर हो रहा है वो आपका Q1 है और Q3 है। जो टोटल चार्ज बाहर की तरफ जा रहा है वो आपका Q2 है, Q4 है और Q5 है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि जो चार्ज अंदर आ रहे हैं वो बराबर होंगे चार्ज बाहर जो जा रहे हैं। इन चार्ज की जगह आप IT लिख दीजिए, क्योंकि यहां से हम आई क्यू को I इंटू टी लिख सकते हैं। तो I1 इंटू टी, I3 इंटू टी विल बी इक्वल टू I2 टी, I4 टी, I5 टी। टाइट टी टी कैंसिल कर दीजिए, I1 प्लस I3 बराबर हो जाएगा I2 प्लस I4 प्लस I5, जो मैंने आपको यहाँ बताया। चाहे तो आप इनको इधर ले ला के नेगेटिव साइन में कर लीजिए। कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो सिग्मा आई है वो जीरो होगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है, किरचॉफ लॉ ये नहीं है, किरचॉफ लॉ ये नहीं है, किरचॉफ लॉ ये है सिग्मा आई विल बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जो एल्जेब्रिक सम होगा, जितने भी करंट इस जंक्शन पे मीट कर रहे हैं वो जीरो है। यही आपका किरचॉफ लॉ का पहला रूल है, दिस इज किरचॉफ फर्स्ट रूल। ये लाइन जो आपको बताई गई सिग्मा आई इक्वल टू जीरो, यही पहला रूल है, राइट। तो ये चीज आपकी पहली चीज हो गई कि भाई हम लोग ये भी देख, हमें ये भी देखना है कि कन्वेंशन क्या है। जो इलेक्ट्रिक अंदर, इलेक्ट्रिक करंट अंदर की तरफ आ रहे हैं उसको हमने पॉजिटिव चूज किया, और हमने कहा कि जो जो करंट जो है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं उनको हमने नेगेटिव चूज किया। तो अब देखिए इस कन्वेंशन से मैं कैसे करता हूं, यही रूल को मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आई वन ले लीजिए, आई वन अंदर की तरफ आ रहा है, आई वन ले लीजिए। अब मैं कुछ कंजर्वेशन वगैरह कुछ नहीं लगा रहा, मैं कह रहा हूं कि आई वन अंदर आ रहा है, हमने कहा आई वन को प्लस कर दीजिए। फिर दूसरे को देखिए, आई फाइव ये बाहर की तरफ जा रहा है तो माइनस आई फाइव कर दीजिए, आई फोर बाहर की तरफ जा रहा है तो माइनस आई फोर कर दीजिए, आई टू बाहर की तरफ जा रहा है इसको माइनस आई टू कर दीजिए, आई थ्री अंदर की तरफ जा रहा है इसको प्लस कर दीजिए, इसको जीरो कर दीजिए। सिग्मा आई इक्वल टू जीरो ही तो किया मैंने सबका सम करके, लेकिन बस मैंने कन्वेंशन लिया कि कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। आप देखिए ये लाइन और ये लाइन एग्जैक्टली इक्वल है, ये दोनों लाइन इक्वल है ना, बिल्कुल ये चीज बिल्कुल सेम है। यही आपका किरचॉफ साहब का पहला रूल है। किरचॉफ साहब का जो सेकंड रूल है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है एनर्जी का, और जो कॉन्सेप्ट है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का किसी भी क्लोज सर्किट में, इसको हम एनालाइज कर सकते हैं। किरचॉफ सेकंड रूल इसलिए आया है, इसलिए हम यूज करते हैं। तो बेसिकली जो हम जंक्शन पॉइंट के बारे में बात करेंगे, क्लोज लूप के बारे में बात करेंगे, वो सारे जो है किरचॉफ सेकंड रूल के शब्दों में, किरचॉफ सेकंड रूल में आने वाला है। अब आप देखिए कि ये आपका एक क्लोज सर्किट है, इसमें R1, R2, R3, R4, R5 ये आपके रेजिस्टेंसेस हैं। इसमें दो बैटरीज लगा दी, एक ये बैटरी हो गई, एक ये बैटरी हो गई, राइट। E1 इसका EMF हो गया, E2 इसका EMF हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस जरा अभी आप भूल जाइए, छोड़ दीजिए इसको, राइट। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस, वो क्या होगा, V इक्वल टू IR। ये करंट मान लीजिए I1 इधर आ रहा है और R1 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक कितना होगा, ड्रॉप कितना होगा, I इंटू R। पोटेंशियल तो ड्रॉप होगा ना, यहां पर अगर आप करंट बाहर बहा रहे हैं, यहां से यहां तक जाते जाते रेजिस्टेंस कुछ खींच लेगा तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो I1 इंटू R1, ये पोटेंशियल, ये जो V इक्वल टू IR है ना, जो किसी भी डायरेक्शन में, ये आपको बहुत ध्यान रखना है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी भी पॉइंट पे एक स्टेडी स्टेट में, वो चेंज नहीं होता है। अगर आप वी ए कहें एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट ए पे, तो ध्यान से देखिएगा, इसको मैं कहता हूं वी ए है। यदि हम मेजर करें जो चेंज हो रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, चाहे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएं, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएं, यानी क्लोज सर्किट में किसी भी डायरेक्शन में घूम जाएं और इसी पॉइंट पे दोबारा आ जाएं, माने कि यहां ऐसे ऐसे चलते 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 आप यहां पर वापस आ जाएं, तो आप ध्यान रखिएगा कि वी ए चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है किसी भी पॉइंट पे, एक स्टेडी सर्किट है, वो चेंज नहीं होता। इसी को हम सिंगल वैल्यूडनेस या एक वैल्यू वैल्यूडनेस कहते हैं आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। बल्कि जो सिंगल वैल्यूडनेस है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से निकल के भी आता है। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप है किसी भी, जैसे मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है, करंट आपका आई आ रहा है,
तो आपका ये रेजिस्टेंस है, तो I इंटू आर आपका ड्रॉप मिलेगा। तो इधर पे जब आएंगे तो आपको I इंटू आर ड्रॉप मिलेगा। मान लीजिए यहाँ V है, यहाँ वी ए पे है या V है, तो माइनस आई आर मिलेगा आपको यहाँ इस जगह पे, ये वोल्टेज ड्रॉप होगा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं आपको, तो जो डायरेक्शन है करंट का, हम इसको ना आर्बिट्रेरी टेक करेंगे, यानी कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको इस डायरेक्शन में घूमें या इस डायरेक्शन में घूमें, आप किस जगह पॉजिटिव लेंगे किस जगह नेगेटिव लेंगे ये आपके ऊपर है। पहली चीज तो ये क्लियर हो जाएगी। तो जब इस R1 से करंट पास हो रहा है, यानी कि आप हायर पोटेंशियल पे हैं, और जब आप लोअर पोटेंशियल पे जा रहे हैं, ये हम मान के चलते हैं, तो इसका मतलब एक वोल्टेज ड्रॉप होगा I1 R1, जो मैंने आपको आपको समझाया A से लेकर अगर आप B पे गए तो, ठीक। लेकिन यहां पर एक बैटरी भी लगी हुई है जो नेगेटिव से पॉजिटिव, अब ध्यान रखिए नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब यह है कि यहां पर पोटेंशियल राइज हो रहा है। जो नेगेटिव से जब पॉजिटिव जा रहे हैं तो पोटेंशियल आपका राइज हो रहा है, तो पोटेंशियल राइज यहां पर पोटेंशियल राइज हो गया, राइट। अब जब आप पोटेंशियल राइज होगा इस जगह पे आप आ जाइए, आप ये पोटेंशियल राइज हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव गए, इस जगह आ जाइए। अब यहां पर I2 करंट है, R2 आपका रेजिस्टेंस है, तो I2 R2 ये वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो हम ये डायरेक्शन इस तरीके से मूव करेंगे, हम जब यहां पर C से D आ गए, इस जगह पे आ गए, या ये E2 की बात करें C से D में, तो यहां पर आपका एक और E2 लगा हुआ है। यहां पर आपका देखिए, आप पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जा रहे हैं। इसका मतलब यहां पर पॉजिटिव से नेगेटिव जाएंगे, इसका मतलब यहां पर आपका डिक्रीज होगा पोटेंशियल, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं आप। लेकिन इसके बाद आप रेजिस्टेंस यहां पर है आई थ्री, रेजिस्टेंस कुछ खींच लेगा, तो यहां पर आई थ्री इंटू आर थ्री इतना ड्रॉप हो जाएगा, ठीक। फिर यहां पर आप आइए आई फोर आर फोर पे, यहां पर आप इस डायरेक्शन करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं। अभी तक तो आप डायरेक्शन में ही जा रहे थे, इस डायरेक्शन में गए, इस डायरेक्शन में गए, यहां पर आपने आप डायरेक्शन के अगेंस्ट थे, इसलिए आपने कहा कि नहीं ड्रॉप नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, प्लस आई टू आर टू होगा। लेकिन जब आप इस अपोजिट, जब आप डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप ड्रॉप कह रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप यहां पर जाएंगे इस जगह पर, तो आपको जो अपने यहां बना होगा उसका अपोजिट देना पड़ेगा, बस ये समझ लीजिए। तो मैं आपको फिर से समझाता हूं कि क्या हो रहा है। शुरुआत करते हैं VA से, यहां पर VA पोटेंशियल मान लीजिए, इस जगह पे VA पोटेंशियल है। जब हम I इस जगह पे गए इस रेजिस्टेंस पे, तो I1 R1 ड्रॉप हुआ, हमने कहा माइनस I1 R1, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पे जा रहे हैं, हमारा जो EMF है वो बढ़ा, नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब है EMF बढ़ा, तो आपने प्लस E1 कर दिया। उसके बाद आप जब इस डायरेक्शन में गए, यहां इस यहां पर गए, हम क्लॉकवाइज चल रहे, करंट इस तरफ बह रहा है, R1 इस तरफ, R2 इस तरफ है, करंट इस तरफ बह रहा है, आप आ इस तरफ रहे, इसका मतलब आप इसको प्लस I2 R2 करेंगे, बस इतना समझ लीजिएगा। यहां पर आप डायरेक्शन में जा रहे थे तो माइनस किया, जब आप डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रहे हैं तो I2 RT किया। अब आप देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं, यानी कि पोटेंशियल आप पॉजिटिव से नेगेटिव नेगेटिव हो रहा है, तो माइनस E2 हो जाएगा। यहां पर आइए आप डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो I3 R3 हो जाएगा। यहां पर जा रहे हैं आप डायरेक्शन के अपोजिट, तो यहां पर प्लस आई फोर आई आर फोर हो जाएगा। इस जगह पे आएंगे, यहां पर आर फाइव है या आई फाइव है, आप डायरेक्शन के अपोजिट चल रहे हैं, इस मूव डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो प्लस आएगा। अब ये जब चल लिया आपने, जब इस पॉइंट पे दोबारा पहुंचे, तो ये वी ए ही होगा। दोनों को हटा दीजिए, आपका ये जो इक्वेशन बनी है, यही आपकी किसकी कॉन्सिक्वेंस है, किरचॉफ साहब के सेकेंड रूल है। अगर एल्जेब्रिक सम इन सारे चेंजेस का पोटेंशियल, अब जब आप देखने देखा आपने, जब इसको घुमाया, ये जीरो है क्योंकि वी ए वी ए कैंसिल कर दिया, तो जब अल्जेब्रिक सम है जितने भी चेंज हो रहे हैं पोटेंशियल के, एक क्लोज लूप में वो जीरो है। अब अगर आप इसको कहें कि हम आई आर को इधर रखना चाहते हैं, ई वन ई टू को इधर ले जाना चाहते हैं, तो ई वन ई टू को ले जाइए, तो अल्टीमेटली आपका क्या आया, सिग्मा इंटू आई आर। देखिए आई आर आई आर आई आर आई आर आई आर है यहाँ पे, यानी सिग्मा इंटू आई आर ये बराबर है सिग्मा इंटू ई एम एफ, मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप बराबर है वो किसके, जितना ई एम एफ प्रोवाइड हुआ। तो अब ये लाइन जो है ना, ये आपकी किरचॉफ साहब की सेकंड रूल है। ये इक्वेशन बताती है कि कोई भी क्लोज लूप है, जो एल्जेब्रिक सम होगा, जो प्रोडक्ट है रेजिस्टेंस और करंट का, वो किसके बराबर होगा, जो एल्जेब्रिक सम है जितने ईएमएफ्स आपने अप्लाई किए हैं इस लूप में। यानी कि अगर एक लूप में आप गए इस जगह पे, इस तरीके से आप इस लूप में गए, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर बैटरी लगी है, यहाँ बैटरी लगी है, तो जो यहाँ पर I इंटू आर वन, जैसे I करंट पास होना, तो I इंटू आर वन या I इंटू आर टू, ये किसके बराबर होगा, ये E1 प्लस E2 के बराबर होगा। यही आपका किरचॉफ साहब का सेकंड रूल, बस ये आपको समझना है।
साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है जब अप्लाई करेंगे आप किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ में जब साइन कन्वेंशन आप अप्लाई करेंगे ये, क्योंकि यही आपको किरचॉफ लॉ से प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान बनाएगा। ओके, पहली चीज तो ये है कि अगर हमारी जर्नी जो है, अगर इस तरीके से हम रजिस्टर पे जा रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्लो है, मतलब हम ये फ्लो के डायरेक्शन में जा रहे हैं और यहां पर हमारा करंट आई बह रहा है, ये आर है, तो हम जब करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसको लेंगे माइनस इंटू आई आर, मतलब वोल्टेज ड्रॉप कहेंगे इसको, तो आई आर होगा, राइट। अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और करंट इस तरफ बह रहा है तो आई इंटू आर को हम प्लस आई आर लेंगे अपनी इक्वेशन में। पहली चीज हो गई। अब ईएमएफ की बात करते हैं। जो ईएमएफ है बैटरी की, इसको आपको नेगेटिव लेना है जब आप नेगेटिव टर्मिनल की बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल में जा रहे हैं, यानी नेगेटिव से जब पॉजिटिव में जा रहे हैं, इसका मतलब आप पोटेंशियल आपका ड्रॉप हो रहा है, इसलिए हम नेगेटिव ई लेंगे। जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हैं, जब ईएमएफ आपको पॉजिटिव लेना है, तब जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, यहां पर आपका पॉजिटिव लेंगे। बस ये आपको ध्यान रखना। डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट का, वो आप कैसे भी चूज कर सकते हैं, इसमें कोई बंदिश नहीं है। आप इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ऐसे चूज कर सकते हैं, ऐसा चूज कर सकते हैं। अब बस आपको ध्यान रखना है कि जिस जगह जिस तरीके से जाएंगे आपको ये कन्वेंशन फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये सवाल जवाब है आपके किरचॉफ रूल पे, इसको हम देखेंगे अगले डिस्कशन में। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।